हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बनाने वाला हूँ वेजिटेबल फ्राई राइस, वो भी स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ अपना घर के अंदर, एकदम आसान तरीका से बनाएंगे आज। बहुत दोस्त लोग ने बोला है कि वेजिटेबल फ्राई राइस कैसे बनाना है, एक रेसिपी डालिए बोल के, तो मैं आज ये रेसिपी डालने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको ये रेसिपी, ये मेरा तरीका पसंद आएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला लिया ये आधा किलो चावल, 500 ग्राम ये बासमती वाइट राइस है, एकदम अच्छा चावल है ये। आपके पास कौन सा चावल है वही भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। इसको थोड़ा सा धो के भिगा दिया, कम से कम 15-20 मिनट भिगाएंगे। तब तक इसको बॉईल करने के लिए पानी चढ़ाया, तो इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल करना है पानी को। जब तक ये पानी बॉईल हो गया तो ये जो भिगा के रखा था 20 मिनट तक ये चावल को, उसको बॉईल करेंगे। कम से कम इसको 70% तक कुक करना है। तब तक ये वेजिटेबल काटेंगे। ये कैरेट लिया एक पीस, ये कैरेट को ऐसा स्मॉल डाइस करना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटना है, ये छोटा साइज का ऐसा करके। अब ये कैरेट के साथ में एक ग्रीन बीन्स है, ग्रीन बीन्स को भी सेम साइज में काटना है ऐसा। और ये लिया कॉलीफ्लावर, ये भी कैरेट के साइज में, सब वेजिटेबल एक ही साइज का काटना है ऐसा करके। और ये लिया ब्रोकाउली, ब्रोकाउली को भी ऐसा सेम साइज में काटना है। और ये साइज में होएगा सब। ये ज़रूरी नहीं है कि ये डालना, आपका घर में कौन सा वेजिटेबल उपलब्ध है वही भी डाल के बना सकता है, जैसा आप कैबेज वगैरह भी डाल सकता है। और इसमें पानी थोड़ा डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के इसको ऐसा भिगा के कम से कम 10 मिनट तक छोड़ेंगे। तब तक इसमें जो वेजिटेबल में हल्का बैक्टीरिया रहेगा वो सब चले जाएगा और वेजिटेबल एकदम अच्छा होता है ऐसा करके रखने से। और इधर ये जो चावल बॉईल किया था वो करीब करीब हो गया, करीब 70-80% तक कुक करेंगे इसको बस। और इसको ऐसा फिल्टर कर देंगे चावल को। और ये फिल्टर करने के बाद जो स्टीमर है उसमें जो भिगा के रखा था वो सब्जी को थोड़ी देर, कम से कम 50% तक स्टीम करेंगे। तब तब ये ग्रीन, ये येलो कैप्सिकम है और ये रेड कैप्सिकम, ऐसे छोटा छोटा साइज में काट के फ्राई राइस में डालेगा तो फ्राई राइस में थोड़ा अच्छा भी लगता है और कलर भी अच्छा आता है। आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये प्याज ऐसा फाइन चॉप और ये गार्लिक, ये जिंजर, ये ज़रूरी है, ये फ्राई राइस में डालना ही है, तब फ्राई राइस का खुशबू अच्छा आता है। देखिए ऐसा करके चॉप करना इसको। अब ये कम से कम 50% तक स्टीम हो गया, इसको बाहर निकाल के ठंडा पानी में डाल के फिर बाहर किया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी एकदम फ्रेश और नेचुरल दिख रहा है। ये स्टीम करने का फ़ायदा ये है कि इसका कलर नहीं जाता है। तो दोस्तों ये फ्राई राइस में डालने के लिए सॉस बनाएंगे। ये सिचुआन सॉस डाला 1 चाय चम्मच। ये सिचुआन सॉस इतना ज़रूरी नहीं, आप कितना खाते हैं उतना डाल सकता है। ये टोमेटो केचप डाला 1 चाय चम्मच और ये सोयाबीन सॉस, मेरा पास थोड़ा गाढ़ा है तो मैं इसमें भी 1 चाय चम्मच डाला। और ये सिरका यानी कि विनेगर ये 1 चम्मच डाला। ये डाल के अच्छा से घोल के रेडी करना है और इसको बाद में फ्राई राइस में डालना है। तो शुरू करते हैं फ्राई राइस बनाना। दोस्तों सबसे पहला एक फ्राई पैन में कम से कम 2 चम्मच तेल डाला और इसको ऐसा अच्छा से हीट करना है। फ्राई राइस बनाने के लिए सब कुछ सामान रेडी है, अभी फटाफट बनाना है बस। इसमें अदरक लहसुन जो चॉप करके रखा था सबसे पहला इसको डालना है और इससे ऐसा कलर आने लगता है। तो ये प्याज डालना है, तब ये जो कैप्सिकम कलर कलर का था वो डालना है, ऐसा अच्छा से पकाना है। और ये वेजिटेबल था, मिक्स वेजिटेबल, ये ऑलरेडी 50% कुक हुआ है, इसको थोड़ी देर पकाना है बस ऐसा। ये तरीका से थोड़ी देर पकाना है, तब इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर, ये दोनों स्वाद अनुसार डालना है आपको कितना चाहिए। और घोल के रखा था सॉस उसको भी इसमें मिक्स करके थोड़ी देर मिक्स करेंगे। और चावल आपको कितना बनाना है वो हिसाब से इसमें डालना है। कम से कम ये 3 प्लेट बना रहा हूँ मैं, नॉर्मली 3 प्लेट के हिसाब से, तो इतना डाला मैं। इसको अच्छा से ऐसा चलाना है, देखिए
ये तरीके से चावल नहीं टूटना चाहिए और एक आपस में चावल नहीं जोड़ना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए फ्राइड राइस के चावल। और रेडी हो गया दोस्तों, इसको ऐसा सर्व करेंगे। एक बड़ा सा प्लेट में डाला, देखिए कितना अच्छा कलर भी आया और मिक्स वेजिटेबल भी अच्छा लग रहा है। तो ये तरीका से फ्राइड राइस बनाना है। हो सकता आप लोगों को ये मेरा रेसिपी पसंद आया होंगे। पसंद आया तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। तो ये रेडी हो गया फ्राइड राइस। और मेरा दूसरा रेसिपी होने वाला है वेजिटेबल फ्राइड राइस एंड चिकन लॉलीपॉप मंचूरियन। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देखने के लिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल का रखिएगा। तब तक मिलेंगे दूसरा वीडियो में। आज के लिए विदा चाहता हूँ। सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।